अभी चलते हैं कोलंबो। कोलंबो में हमारे साथ कपिल भाई जुड़ रहे हैं। कपिल भाई, वहां पर जो इंडियन फैंस हैं, श्रीलंकन फैंस हैं, उनका क्या मूड है? क्योंकि ये मैच तो लंबा नहीं चलने वाला। अभी तक हमने एशिया कप में देखा था कि जो मैच थे वो 50 ओवर के मैच लगभग 90 ओवर तक चल रहे थे, बिकॉज बारिश की वजह से उतना ज्यादा टाइम लग रहा था। आज छोटा सा मैच है, आज किस तरीके का मूड है वहां पर? अभी जब मैच शुरू होगा तो आप देखेंगे आधा स्टेडियम खाली हो चुका है, क्योंकि श्रीलंकन तो जा चुके हैं घर आधे से ज़्यादा। लेकिन इस वक्त एक जो मेरे साथ इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं भारतीय टीम की जर्सी में, बहुत शानदार कहानी है इनकी, जल्दी से बताता हूँ। इनका नाम है, जर्सी पर मत जाइए, ये जर्सी इंडियन दिखाई दे रही है आपको, लेकिन इनका नाम है तैमूर और ये पाकिस्तान के क्वेटा से आए हैं। कहानी खुद सुनिए ज़रा इनसे, आप बताइए क्या है। एक्चुअली हमारा प्लान तो था कि हम श्रीलंका को सपोर्ट करेंगे फाइनल मैच में, लेकिन कल रात जब हम होटल की लॉबी में बैठे हुए थे तो मोहम्मद शमी और सिराज भाई, पहले फोटो दिखाएं अपनी, ये वाली फोटो, ये मैं पाकिस्तान का फैन हूँ, ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो वॉश आउट हुआ था उसमें आया था। हमारा प्लान श्रीलंका को सपोर्ट करने का था, हमने श्रीलंका की जर्सी सब कुछ लिया हुआ था, लेकिन लास्ट नाइट जो इंडियन टीम जिस तरीके से हमें मिली और जिस तरीके से इंडियन टीम ने हमें रिस्पेक्ट दिया है, आप यकीन करें। ये देखें मोहम्मद शमी भाई, उसके बाद हमने ये सिराज भाई जो हमें रिस्पेक्ट दी होटल में, उसके बाद आज उन्होंने जो हमें मोहब्बत दी, आज वो हम मोहब्बत इंडिया को वापस करने आए हैं, और यही मोहब्बत हम 14 अक्टूबर को अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, और दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाने के लिए हम इंशाल्लाह अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, और एक बढ़िया मैच हम अहमदाबाद खेल आपके साथ ये कर सकता है जी, इतनी ताकत है इस खेल में, क्रिकेट में, क्योंकि इतना बड़ा जुनून ये है देशों का कि यार दिलों को मिलाने का काम करता है। मोहम्मद सिराज ने इनके साथ सेल्फी ली होटल में कल रात को, इन्होंने तय किया पाकिस्तान की जर्सी उतार के इंडिया की जर्सी पहनी और सपोर्ट करने आ गए। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, ये पहुंचेंगे, मुझे यकीन है ये अहमदाबाद पहुंचे हैं, गैलेक्सी फोल्ड देख के पहचाने मोटी पार्टी है। लेकिन शोएब भाई के पास जाऊंगा। शोएब भाई, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो भी टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो प्यार जो खेल जिस तरीके से कनेक्ट करता है, इसके बारे में आपकी तरफ से कुछ बात हो जाए। थैंक यू यार, मुझे तो काश बहुत पढ़ना जानता है यार, मैं तो हमेशा आपके लिए बहुत ही प्यार भरी बातें करता हूँ, आपके लिए बड़े अच्छे ख्याल रखता हूँ, तो आप जानते ही हैं मुझे, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ यार ब्रिज का काम करूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ जोड़ने का काम करूँ, जैसे मर्जी हालात हों। तो ये वो लोग हैं जो इंस्पायरिंग स्टोरी होते हैं, तो मैं पुरजोर गुजारिश करूंगा जी से कि इनको पकड़ लिया जाए, इस बंदे को पकड़ लिया जाए और इनको जी स्टूडियो में लेके आया जाए और इनको वर्ल्ड कप का टिकट दिलाया जाए और पाकिस्तान से बुला के इनको मैच दिखाया जाए। ये मैं रजनी सर से कोशिश करूंगा कि ये रिक्वेस्ट करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल शोएब भाई, कपिल कोलंबो में हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। कपिल भाई, आप जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शोएब ने ये बात कही है कि तैमूर को बाकायदा जी न्यूज़ के स्टूडियो में लाया जाए, क्योंकि दिलों को जोड़ने वाली जो बात होती है उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। तैमूर, हम चाहेंगे, शोएब अख्तर भी स्टूडियो में हमारे साथ है, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त काम किया है तैमूर ने ये, और दोबारा अपनी स्टोरी एक बार बताएं, कैसे आप भारतीय क्रिकेटर्स के मुरीद हैं? एक्चुअली शोएब अख्तर हमारे बॉस है, हमने उन्हीं को देखे क्रिकेट खेलना से की थी रावलपिंडी एक्सप्रेस। सो एक्चुअली जब हम पाकिस्तान की टीम श्रीलंका से हार गई, हमें बहुत, एक तो हमारा हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजर्ड हो गए थे, तो हम दिल बर्दाश्त हो गए थे, इवन कि हमने रिटर्न टिकट्स भी करवा लिए थे, लेकिन फिर दिल ने कहा यार नहीं, श्रीलंका को सपोर्ट करके फाइनल का टिकट लिया हुआ, देख के जाएंगे। सो लास्ट नाइट हम होटल की लॉबी में बैठे हुए थे तो इंडियन टीम गुजर रही थी, इवन के प्लेयर्स बहुत फैंस वेट कर रहे थे कि पिक्चर्स लेनी है, लेकिन जब हम भी जाके खड़े हुए, हमने शमी भाई को, सिराज भाई को, ईशांत कृष्णा पांड्या को कहा वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, और आप यकीन करें वो रुके हैं हमारे साथ पिक्चर्स बनाई हैं, और पटेल भाई ने तो कहा था आओ पाजी, तो जो उनकी मोहब्बत हमारे दिल को छुई है, आज जो है हम इंडिया को सपोर्ट करने आ चुके हैं, और यही मोहब्बत लेके हम इंशाल्लाह इंडिया भी जा रहे हैं, और हमने वीजा अप्लाई किया है, और हम ये मोदी, अगर आपके थ्रू अगर मोदी जी ये देख रहे हैं तो हम मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, और आप काइंडली हमें वीजा दीजिए, हमारे पास टिकट्स मौजूद हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और दीगर मैचेस की, और हम आके इंडिया में क्रिकेट को आज मोदी जी का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तानियों को वीजा देंगे, और हमने अप्लाई किया हुआ है, अगर आप वीजा देंगे तो इससे दोनों देशों में मोहब्बत बढ़ेगी, भाईचारे का दुनिया में पैगाम जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कपिल भाई। देखिए तैमूर की कहानी बड़ी जबरदस्त है, और ये इंडिया की जर्सी में
जी बोलिए बोलिए जी जी चैन थैंक यू ओके थैंक यू कपिल भाई, क्योंकि मैं एक अपडेट देना चाह रहा था कि टीम इंडिया की बैटिंग शुरू हो चुकी है और आज ओपनिंग पर ईशान किशन आए हैं। आज रोहित शर्मा नहीं, ईशान किशन और शुभमन गिल आए हैं। Z News.